नाली के निर्माण को आधा अधूरा बनाकर सड़क पर छोड़ देना चाहते हैं ग्राम प्रधान। ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं दूसरी तरफ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की जमीन पर नाली का निर्माण करवाना चाहते हैं। स्थगन आदेश के अनुपालन में एसडीएम के निर्देश पर राजस्व व पुलिस टीम ने नाली के निर्माण कार्य को रोका। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का है। आरजी नंबर 402 में दीवानी न्यायालय में स्थगन आदेश पारित हुआ है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग 200 घरों का पानी अंतिम छोर कहां होगा इसका पता नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान नाली का निर्माण कराकर सड़क पर छोड़ देना चाहता है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित हो जाएगा व संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा रहेगा। गंदी नाली का पानी कहां पर गिरेगा इसका चिन्हित जगह करके नाली का निर्माण कराया जाए। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। काम बंद कर दीजिए, बुलवा लीजिए जाके बात कर लीजिए। काम रोकने के लिए मसाला बने या बिगड़े हमारा सबसे पहले अपना परिचय बताइए। अर्जुन पूर्व प्रधान काजीपुर का मैं रहने वाला हूँ। क्या मामला है अभी यहाँ पे जो काजीपुर में हुआ है? यह मामला है कि जो वर्तमान प्रधान जो है अखिलेश कुमार उर्फ मुस्की गुप्ता जो है 200 घरों का पानी का जो है निकास कर करके और जो उनके जो हाथ की जो मामला है वहाँ पर जो है वो वहीं पर लिया कर वो उसका निदान करना चाहता है इन लोगों के मकान के घर के पास। अच्छा, उस हाँ तो इसका अंतिम छोर मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, उसका अंतिम छोर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है यही जो है वहाँ से एक गोदाम बीज गोदाम है, वहाँ काजीपुर का बीज गोदाम है, कम से कम उसकी दूरी है वहाँ से 200 घर का पानी लग और लिया कर इंदी जी का जो है यह छोड़ना चाहते हैं पर बना करते। तो अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग हम यही करते हैं कि जो उसका कोई अंतिम छोर होना चाहिए और अंतिम छोर होना चाहिए कि कहाँ ये निदान करेंगे और जो है प्रशासन जो है उसका जो है उसका निदान करे कि भाई भाई किसी का जो है नुकसान ना हो, रास्ता जो है रास्ता में आवागमन जो है अवरुद्ध ना हो। क्या नाम है? रोता रावत। अच्छा बताइए क्या मामला है? हमारे गांव में 200 घर का नाली का पानी गिरा रहा है प्रधान, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे ना उसका निक्षार है कहीं ना कुछ है, हम लोग कचड़े में रहेंगे बताइए तो, हम लोग कैसे जिएंगे कैसे थी रहेंगे? तो आप लोगों के घर में क्या कर रहा है? आप लोग मोहल्ले में? मोहल्ले में पानी गिरा रहा है। अच्छा, उसका जगह कहीं नहीं है कि कहाँ ले जाएगा? नहीं, कहीं नहीं जगह है। अच्छा,
तो आप ही के मोहल्ले में ले जाकर के सड़क पर ही पानी छोड़ देना चाहता है? हाँ, मैंने गाँव में सड़के पर ही हम लोग का पानी छोड़ना चाहता है। अच्छा, हम लोग कचड़े में रहेंगे, कोई कोई इसका निस्तार ही करेगा। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको जब तक निस्तार ना हो तब तक बने ना। और क्या नाम है आपका? भीमराव। अच्छा, क्या मामला है? मामला है सर कि ये नाली बनाकर हम लोग के द्वार पर ये छोड़ना चाहते हैं जबरदस्ती। कौन छोड़ना चाहता है? अब मुस्की प्रधान। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? जाएंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इसका निर्माण होकर तब नाली बनना चाहिए, मतलब कहाँ जाए पानी। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील गौड़। अच्छा, काजीपुर। अच्छा अच्छा, क्या मामला है सुनील भाई? मामला जो ग्राम सभा काजीपुर का नाली का निर्माण हो रहा है। अच्छा, वो हमारे माननीय पूर्व प्रधान अर्जुन जी और उनके नाली में गिराने को उस पर स्टे है, वो तो जाने नहीं देंगे। और उसके दक्षिण तरफ हमारा खेत है, खेत हमारे गड्ढे में है, तो यह नाली का कोई छोर नहीं है कि कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा। तो फिर रास्ते पे छोड़ देंगे तो हमारा ही खेत डूबेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? कल हमारे भविष्य में मकान बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि भाई इसका कोई अंतिम छोर दिखाया जाए कि कहाँ गिराएंगे कहाँ नहीं गिराएंगे। अच्छा अच्छा, और हम इस विकास कार्य में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि कितना घर का पानी वो लेकर के आ रहे हैं? वो लेकर आ रहे हैं करीब 100-150 का। 100-150 घर का पानी, तो ये सड़क को छोड़ना चाहते हैं क्या? जी। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कहीं उसका अंतिम अंतिम छोर हो, अंतिम दिशा दिखाएं कि हाँ हम यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। अच्छा, तब आप लोग बनने देंगे जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री भगवान गुप्ता। अच्छा, क्या मामला है? मामला नाली का है। क्या मामला है बताइए? नाली बना रहे हैं प्रधान, ग्राम प्रधान। अच्छा, तो इसका निकासी कहाँ करेंगे वो उनको बताना चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या है मतलब आपका मोहल्ले का पानी मोहल्ले में छोड़ देना चाहते हैं 200 घर का पानी? हाँ, किसी के दरवाजे के पास इनका इरादा है। अच्छा, अच्छा। छोड़ दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका निकासी का रास्ता बताएं। अच्छा, कि कहाँ निकासी होगा। अच्छा, तो और क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से? क्या हम चाहते हैं कि इसका प्रमाणित करें कि कहाँ पानी का निकासी करेंगे तो बना सकते हैं जी। अपना पर्चे बताइए। मैं जैनुद्दीन कुरैसी। अच्छा, निवासी ग्राम सभा काजीपुर। अच्छा, क्या जैनुद्दीन जी, क्या मामला है काजीपुर का? देखिए, कल ही जो है राजस्व टीम के साथ जो है पुलिस प्रशासन भी आई थी सिकंदरपुर में। हम लोग खड़े थे यहाँ पे नाली निर्माण को लेकर के, जो है कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही है जिसमें यहाँ पे आराजी नंबर 402 का एक रकबा है, तो उसमें स्थगन का आदेश है कोर्ट से। हम लोग देखे थे कागज उसका, श्री अर्जुन जी द्वारा दिखाया गया, तो स्थगन के बावजूद भी उसी दिशा में जो है नाली, उसी पोखरी में नाली का निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं लेकर के ये अखिलेश कुमार गुप्ता। हाँ, जबकि उसके आगे भी एक और पोखरी है उसमें नहीं गिरा रहे हैं। तो इनका मंशा जो है हमेशा तानाशाही टाइप का रहा है। इससे पहले भी जो है एक पोखरी है उचक मोहम्मद मौजा में दुलारनपुर में, तो वहाँ भी जो है उनका यही नजरिया था कि पोखरी में न गिरा करके कब्रिस्तान के रकबा से होते हुए धोबी घाट में जो है पानी गिरा दिए। इस संबंध में बहुत सारा एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन सिकंदरपुर स्थानीय पुलिस जो है एक तमाशबीन बनकर बस उसको देखते रही, कोई एक्शन कोई रिएक्शन कुछ नहीं उसके ऊपर। तमाम एप्लीकेशन दिया गया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। तो क्या उसमें पानी धोबी घाट और कब्रिस्तान में गिर गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहीं पे जो है उसमें एक जो आराजी नंबर 46 का जो रकबा है पोखरी का, तो उसको एक नूरुद्दीन नाम का व्यक्ति जो है उसमें वन थर्ड हिस्सा जो है उसको कवर कर रखे हैं। अच्छा, पोखरी का जमीन का कवर कर लिया। हाँ हाँ, तो वो अब पोखरी का अभी भी 2/3 हिस्सा बचा हुआ है। तो चूंकि जो है अखिलेश कुमार गुप्ता जो ग्राम प्रधान है हमारे ग्राम सभा काजीपुर के, तो वो इसलिए पोखरी में नहीं गिरा रहे हैं कि नूरुद्दीन जो है उनके खास आदमी है, सहयोगी है, उनको इलेक्शन में जो है मतलब मदद किए थे हर स्तर से, और हम लोग मदद नहीं किए थे उनका, इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किए थे। इसी रंजिश में जो है वो पोखरी में ना गिरा करके हम कब्रिस्तान से होते हुए धोबी घाट में गिरा रहे हैं, और धोबी घाट जो है वो मतलब जो वो मुस्लिम धोबी ही है वो लोग,
तो ये पूरी तरह से इनका एक नजरिया है कि सांप्रदायिकता फैलाना, चाहे जो है कि हिंदू मुस्लिम एंगल देना किसी भी काम में। अच्छा, तो ये नाली के निर्माण में आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या हो? नाली निर्माण तो हम लोग नहीं रोकेंगे, नाली निर्माण हम कभी नहीं चाहेंगे कि नाली का निर्माण न हो। हम चाहेंगे नाली निर्माण हो, लेकिन जो है उसका जो जायज मकाम है, जो जायज जगह है, वहाँ नाली गिरना चाहिए। तो आप मतलब यही मांग करते हैं कि उसका अंतिम छोर होना चाहिए? जो भी प्रक्रिया हो उसका अंतिम छोर में ये हो कि भाई जो कानूनी दायरा है, कानूनी दायरा के मुताबिक जैसे जिस जमीन पे स्टे चल रही है, अब उसमें पानी गिराना या उसके सामने लाकर नाली छोड़ना, तो ये इस तरह से प्रदूषण होगा, जनता के हित में नहीं होगा। अच्छा, लगभग कितने घरों का उसमें पानी जा रहा है? उसमें तो लगभग 150 से 200 घरों का पानी। अच्छा, तो मोहल्ले में ले जाकर के छोड़ना चाहते हैं? जी जी, इनका तो यही अभी वर्तमान में तो यही है, जब स्टे है तो ले आकर वहीं छोड़ेंगे, गिराएंगे तो है ही नहीं, लेकिन गिराएंगे तो उसे प्रदूषण होगा, जनमानस के लिए जो क्षति होगा, तमाम बीमारियां पैदा होगी वहाँ पे लोगों के लिए, तो तमाम दिक्कतें आएगी, इसलिए इसको एक अंतिम छोर देना जरूरी है। नाली निर्माण हो, हम नाली तो भाई हम खुद तैयार है कि नाली निर्माण होता रहे, विकास होता रहे, लेकिन उसका एक अंतिम छोर होना चाहिए।